जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। जय। और आज हम माता जी के नाम से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज हम माँ के क्षेत्र पे हैं, माँ के भवन पे हैं। और राइट नाउ हम हैं पावागढ़। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों आज हम हैं अभी पावागढ़ माता के पास। संजय भैया आइए आइए। वहाँ सामने का अगर नज़ारा दिखाएंगे तो वहाँ तो मौसम इतना खराब हो चुका है। जय माता दी। जय माता दी। सुबह के 6 बज चुके हैं दोस्तों और सबसे पहले हम चाय पियेंगे यहाँ पे। यस जय माता दी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मौसम बहुत जबरदस्त है और आपको हम सामने का व्यू दिखाते हैं, दिख पाए तो, पॉसिबल हो पाए तो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमें यहाँ जाना है। ये देखिए आप पहाड़ों पे देखिए आप किस तरह का मौसम है। और हमें आज पहाड़ वाली माता ने बुलाया है तो आज उनके पास जाना है हमें। और ये सुबह का मौसम, सुबह के अभी 5:30-6 बज रहे होंगे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद हम माँ की यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। दोस्तों यदि मैं बात करूं पावागढ़ में स्टे करने की, रुकने की, तो यहाँ पे कुछ ही होटल्स अवेलेबल हैं। और नवरात्रि के टाइम, माँ के टाइम में यहाँ पे तो होटल्स अवेलेबल मिलते ही नहीं हैं। तो आप यदि आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम लेके आप आ रहे हैं, तो एक यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक हलोल नाम की जगह है, वहाँ पे अच्छे काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं, अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। और यदि आप टाइम से आ जाते हैं तो यहाँ भी आपको होटल्स मिल जाएंगे 1,000-2,000 रुपये इस तरह से होटल्स। तो ये था हमारा दोस्तों। यहाँ से तो माँ के भवन तक की दूरी यहाँ से 14 किलोमीटर है, जहाँ पे 7 किलोमीटर आपको एक टैक्सी लेके जाएगी। देन 7 किलोमीटर आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं और बाई सीढ़ी भी जा सकते हैं। तो ये था, अब यहाँ से अपन टैक्सी लेंगे और आगे जर्नी शुरू करते हैं। जय माता दी। के दर्शन के लिए बस हम लाइन पे लग गए हैं। बहुत लंबी लाइन है और लाइन दोस्तों बहुत लंबी है, बहुत इधर और इधर भी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो टाइमिंग है 6:45 से जो है यहाँ से रोपवे चालू हो जाता है। माँ के भवन से पहले ही हमें उतरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वहाँ से पैदल चलना रहेगा। तो मॉर्निंग आने से पहले, आने के बाद भी हमें लाइन पे लगना पड़ा, बट कोई नहीं, मौसम रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और दोस्तों हम सब लाइन पे लगे हुए हैं, अब देखते हैं कब तक नंबर आते हैं। संजय भैया जय श्री माता। जय माता दी। आज तो माता जी का नाम दीजिए। माता जी माता दी दोनों का नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए लाइन, देखिए आप काफी लंबी लाइन लगी हुई है और साथ में मौसम भी काफी जबरदस्त है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। दोस्तों अभी हमने रोपवे की टिकट ले ली है और दोनों तरफ का आने जाने का है 150 रुपये है पर पर्सन। तो आप यहाँ पे आइए और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लीजिए। तो अभी चलते हैं अपन। दोस्तों में 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गए लाइन लगे हुए और बस हमारा नंबर आने वाला है। आप देख सकते हैं पीछे रोपवे चल रही है। दोस्तों बस हमारा नंबर आ गया है, हम रोपवे बैठेंगे। आप व्यू का मज़ा लीजिएगा जब अपन रोपवे बैठेंगे और हमारा रोपवे जब ऊपर जाएगा तो व्यू का मज़ा लीजिएगा। दोस्तों देखिए बदल ऐसे हैं
ये हम रूप में जाएंगे तो ऐसे बादलों में छुप जाएंगे, दिखाई नहीं। बट आप व्यू देखिएगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू देखने को मिलेगा। ऊपर आ गए हैं और ऊपर तो पूरा फॉगी फॉग है और बारिश भी हो रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय मां काली। ऐसा लग रहा है ना वो आपको वैष्णो देवी आ गए। यस, पूरी फीलिंग मां वैष्णो की आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम मां वैष्णो प्लीज आ रहे हैं, बट सेम माँ वैष्णो और माँ काली में क्या फर्क है। और दोस्तों मौसम की क्या ही कहें, बहुत ही लाजवाब जबरदस्त। दोस्तों यदि आपको पावागढ़ माँ काली के दर्शन करने हैं तो आपको पावागढ़ आना रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको बड़ौदा से 65 किलोमीटर डिस्टेंस में ये पावागढ़, और तो यहाँ आके आप स्टे कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्लान्स करें तो आप जल्द से जल्द माँ के दर्शन करेंगे। क्यों राकेश, मौसम तो इतना प्यारा है यहाँ का कि कुछ बोल नहीं सकते। लग रहा है दिसंबर में जैसे वैष्णो माता का होता है ना, और बात भी नहीं दिख रहा है। माँ काली ने जैसे कोई मकबर बिछा दिया हो, यस ऐसा लग रहा है। और जितना जल्द से जल्द आप दर्शन के लिए ऊपर नीचे लाइन में लग जाए उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतनी जल्दी आपके दर्शन होंगे, माँ के दर्शन होंगे आपको। सामान रख लेते हैं और ये रही है सारी चीजें। माँ की यात्रा शुरू होगी। सॉरी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल पावागढ़ वाली भैया की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों बस यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जो कि माँ के भवन तक पहुँचाएगी हमें। दोस्तों माँ के भवन के पास हम पहुँच ही गए हैं और कुछ ही देर में माँ अपने दर्शन देगी हम सबको। कुछ ही देर बस रह गए, माँ अपने दर्शन देगी सबको। सीढ़ी और चढ़ी, जय माता दी।
जी दोस्तों, माँ के दर्शन हो गए हैं हमारे, बहुत अच्छे से हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, पर उस तरीके का टाइम लगा नहीं। रोप वे में आप आते हो तो मुश्किल से एक घंटा आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे कि आप रोप वे से उतर गए, उसके बाद में विद इन 30-45 मिनट्स आपके दर्शन हो जाएंगे और आप वापस नीचे भी आकर जा सकते हैं। ट्राई करो दोस्तों कि जितना जल्द से जल्द आप रोप वे पे आ जाओ, लाइन लग जाओ मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। तो फाइनली माँ के दर्शन हो गए हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार सब लोग यहाँ पे, जैसे कि कोरोना के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मंदिर बहुत अच्छा बन गया है, बहुत सुपर मंदिर बन चुका है यहाँ पे, सुंदर मंदिर बनाया गया है। बस यहाँ जब नीचे जाएंगे उसके बाद फिर आपसे नीचे मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। सो फाइनली दोस्तों, माँ के दर्शन के साथ हम अपनी बड़ोदरा की ट्रिप क्लोज करते हैं और ये ब्लॉग भी क्लोज करते हैं। प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये हमारी ट्रिप कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसा लगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय एंड टेक केयर। ब्लॉग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय माता दी, जय पावागढ़ वाली भैया की जय।